जी पता नहीं था हम लोगों को, कोई लोन का नहीं पता था। साहब बहुत खुशी परिवार थी, यही बता रहे थे 17 लाख रुपए कोई मांग रहा है और बोल रहा है 17 लाख रुपए दे दो ना, तुम्हारा घर पर बात कर देंगे। बस यही बताई है कल बहू हमको। क्या किसी तरह की कोई फोटोज आपके पास आई है, क्योंकि मोबाइल पे कई अश्लील फोटोज जो है वो भी भेजी गई है परिवार वालों के पास? मेरे पास छोटा मोबाइल है, उसमें नहीं आता कोई। ठीक है, किसी तरह की कभी कोई बात बताई गई कर्ज के लिए आप लोगों से कभी मांगा हो? कुछ नहीं, कुछ कोई कुछ नहीं मांगा है न, कोई कुछ हम लोगों से बताया है। खुशहाल परिवार थे, मैडम दो बच्चे थे, मियां अच्छे से रहते थे। ठीक, बस इतने बताया कि हमसे 17 लाख रुपया मांगा गया। ठीक, ये पता चला है कि उन्होंने ऑलरेडी कर्ज में थे ये कुछ, इसके बाद इन्होंने कुछ ऑनलाइन ऐप्स और ऑनलाइन वर्क करने का प्रयास किया जिसके चलते इनके ऊपर ऑनलाइन ऐप्स का कर्ज बढ़ता गया। और ऑनलाइन ऐप्स में यही होता है कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशन में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फोटोज वगैरह शेयर हो जाती हैं जो आप रियलाइज नहीं करते, और उन्हीं फोटोज और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज करते हुए इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया है और जिसके चलते प्रताड़ित होकर इन्होंने सुसाइड किया। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या जांच करेंगे आगे पुलिस के द्वारा, क्या जांच की जाएगी? जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो फोन नंबर्स हैं, जो मोबाइल और लैपटॉप का फोरेंसिक एनालिसिस है वो सारा किया जाएगा। जिन्होंने भी इनसे संपर्क किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो परिवारजन है जिनके पास एक्सटॉर्शन की कॉल्स गए थे उनसे बात करके जो नंबर्स हैं उनकी कार्रवाई की जाएगी।